हमारे एक वो बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं आज़ाद चाय वाला, वो भी इस वाले से काफ़ी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉलेजेस हैं बंद कर देने चाहिए, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, और आप जो है ना वो ख़ुद से एजुकेशन हासिल करें और बूट कैंप किस्म के और शॉर्ट कोर्सेज आप करें वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, तो ये आप कैसे देखते हैं इनको? लेकिन जी उनकी आधी बात सही है कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं पढ़ा रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल ही छोड़ दें। और क्या लगता है कि ये जो हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट है अब एक डिग्री करने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, आपके जो है ना वो जो पेरेंट्स हैं उनके को तकरीबन 30 लाख रुपए तक उस पर खर्च आ जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये वर्थ इट है कि बाद में उसके बाद जो है ना वो स्टूडेंट उसके पास ये इतनी स्किल्स पैदा हो जाती हैं कि वो ये सारा जो रेवेन्यू है वो उसको ईजीली कुछ अर्से में पूरा कर सकता है? डेफिनेटली वर्थ इट है जी। आप देखें एक 30 लाख रुपये आप लगा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 4 ईयर्स में, यही 4 ईयर्स के बाद आपका अगर 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो इन सर्टन केसेस लोग $10,000 अ मंथ भी कमाते हैं, तो आप एक महीने में ही कमा लोगे जो आपने लगाए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सोशल मीडिया चैनल। मेरा नाम है अकमल ख़ान और आज हम एक नहायत अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे कि एक कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री है उसकी पाकिस्तान में क्या इम्पोर्टेंस है, और आया कि अभी जो फ्रेश स्टूडेंट इंटरमीडिएट अपने क्लियर करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उनको ये शोभा अडॉप्ट करना चाहिए, और जो ऑलरेडी इस शोबे के अंदर स्टडीज़ कर रहे हैं अपनी कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं डिग्रीज़, तो उनके लिए इस शोबे के अंदर क्या आगे पोटेंशियल है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहां पे उनको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं और वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असद खान, और असद खान एक CEO और फाउंडर हैं सिमेंटिक नोशन के, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है पाकिस्तान में काम कर रही है। इसके अलावा भी ये बड़े कारहाए नुमाया सर अंजाम दे चुके हैं अपने शोबे के अंदर, और हम बात करेंगे इनके साथ। कैसे हैं असद आप? शुक्र अल्लाह का। असद भाई हमें ये बताइएगा कि कंप्यूटर साइंस का जो शोबा है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और आप किस तरह से देखते हैं कि उसको अडॉप्ट करना चाहिए जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं? जी कंप्यूटर साइंस एज ए फील्ड जो है ये कंटिन्यू करेगी एक्सपेंड करना, जितने दुनिया के बिजनेसेस हैं उसमें हर जगह ये क्रीप इन होता जाएगा, और ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस के साथ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग फर्स्ट स्टेप कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हर चीज़ में हर कोने खुदरे हर बिजनेस के हर इकोनॉमी के घुसती जाएगी। तो इसका मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये है कि जी जो साइज़ है आपके जो आई टी सर्विसज़ का और आई टी की टैलेंट का वो पूल बढ़ता जाएगा। तो इन फॉरसीएबल फ्यूचर जी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि आप कंप्यूटर साइंस और मशीन लर्निंग की तरफ जाएं। राइट और आप क्या देखते हैं कि जिस तरीके से अभी मेरी कुछ अपने दोस्तों के साथ बात हुई जो एजुकेशनिस्ट हैं वो बताते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर स्पेसिफिकली एक एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 500 स्टूडेंट्स का 1000 स्टूडेंट्स का फ्लक्स उसके अंदर आ रहा है, और जो दूसरे शोबे हैं शायद जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं या फाइन आर्ट्स के हैं और सोशियोलॉजी के हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर इसके अंदर सैचुरेशन हो सकती है, या ये फील्ड जो है ये शोबा इतना बड़ा है इतना वास्ट है कि ये सारे फ्लक्स को अकोमोडेट कर लेगा? जी शोबा तो बहुत बड़ा है और अकोमोडेट कर लेगा, मुझे कोई डाउट नहीं है। 500 की बजाय अगर 5000 भी प्रोड्यूस हों तो वो भी अकोमोडेट हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए है कि आपके पास अपनी नॉलेज और स्किल्स इतनी होनी चाहिए कि आप अकोमोडेट हों। अगर आपने सिर्फ डिग्री लेनी है और आपने पेपर का टुकड़ा पकड़ के पहुंच जाना है नौकरी लेने के लिए तो आप कहीं अकोमोडेट नहीं होंगे। ओके तो आपका जो कहने का मतलब है कि सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, यानी कि वो डिग्री डिग्री होती है वो वाला हिसाब यहाँ पर नहीं चलने लगा? डिग्री तो जी पीस ऑफ पेपर है, और पीस ऑफ पेपर की कोई सच वैल्यू नहीं है अनटिल अनलेस आपने वो स्किल सीखी हो वो नॉलेज एक्वायर की हो जो आपको रियल वर्ल्ड में आके वो यूटिलाइज़ करके आप उससे कुछ कर सकें, वरना डिग्री क्या है, कुछ भी नहीं। मुझे ये बताइए कि अब एक स्टूडेंट जो है उसका एडमिशन हो जाता है कंप्यूटर साइंसेज के अंदर, वो BS करने जा रहा है ग्रेजुएशन करने जा रहा है पूरे 4 ईयर्स की, उसको कौन कौन से अगर हम बात करें तो 2-3 चीज़ें उसको माइंड में रख के अपने ये 4 ईयर्स की एजुकेशन पूरी करनी है ताकि वो एक बड़ा स्किलफुल हो और वो अपने जो है ना मार्केट के लिहाज से जॉब हंटिंग के लिहाज से वो उसमें सक्सेसफुल रहे? जी अनलाइक मोस्ट पीपल मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप डिग्री लें लेकिन सही तरह लें। सिर्फ ये नहीं है कि आपने 4 साल लगाए और 4 साल बाद आप निकले बोला मुझे तो प्रोग्रामिंग पसंद ही नहीं है, जी मैंने प्रोग्रामिंग करनी नहीं है तो कुछ और कर लूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है आप पूरे के पूरे 4 साल लगाएं, उसमें आप कोर्सेज देखें जो आप पढ़ रहे हैं,
वही कोर्सेज स्टैनफर्ड, MIT और डिफरेंट येल यूनिवर्सिटी और डिफरेंट US की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं। आप लेक्चर लें, आप घर आएँ, आप देखें कि वो उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का किसी यूनिवर्सिटी में कौन सा चल रहा है। आप जाके, घर जाके उसका यूट्यूब पे चैनल आप उसका सब्सक्राइब करें, वो उनकी वीडियोस देखें और आप लर्न करने की कोशिश करें जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा ज़्यादा लर्निंग करें और इस तरह आप लेके चलें। सिर्फ आप यूनिवर्सिटी पर रहेंगे तो फिर इस तरह काम नहीं चलेगा, अपनी एफ़र्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपका चूंकि बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है इस हवाले से, फील्ड के हवाले से, और आप एम्प्लॉयमेंट, आप हायरिंग की तरफ भी जाते रहे हैं, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप हायर करते रहे हैं, आपके इंटरव्यूज़ वगैरह भी कंडक्ट किए हैं, तो क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो अच्छे जो ग्रेजुएट हैं वो पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखें जी, अच्छा ग्रेजुएट तो कहीं भी प्रोड्यूस हो सकता है अगर वो ख़ुद मेहनत करे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगा तो बहुत ही अच्छा निकलेगा। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों के बहुत बुरे ग्रेजुएट भी होते हैं, लेकिन बहुत गंदी यूनिवर्सिटियों से बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। ज़्यादातर डिपेंड करता है आपकी अपनी एफ़र्ट पर। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छा पढ़ा रही हैं, जिनके बच्चे जो हैं निकलते हैं मार्केट में तो उन्हें कुछ ना कुछ पता होता है और वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा लेकिन है कुछ। नहीं नहीं, नाम आप ले सकते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी हो गए, उसके बच्चे बेहतर होते हैं, लम्स के थोड़े बेहतर होते हैं। और सिर्फ बात ये नहीं होती कि आपने जो है ना सिर्फ प्रोग्रामिंग सीख ली या कंप्यूटर साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिए, ये ओवरऑल पैकेज आपका होता है कि आपको कम्युनिकेट करना आता है, आपको जो है समझना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसको आपको डायग्नोज करना आता होता है, उसको ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, उसके बाद फिर आपको सोल्यूशन करना चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम ही नहीं समझेंगे, उसको आप ब्रेक डाउन ही नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप मतलब उसके सोल्यूशन क्या निकालेंगे। तो काफ़ी चीज़ें, कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है इसमें, काफ़ी चीज़ें सीख करनी पड़ती हैं। राइट। और कौन सा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप कहते हैं कि जिनके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप मुतमईन नहीं हुए, या जिनका स्टफ़ कह लें कि वो उस लेवल का नहीं था? एवरी अदर यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से, आप जितनी प्राइवेट उठा लें, जो ये पैसे लिए जा रही हैं और स्टूडेंट्स भर्ती किए जा रही हैं, तो अक्सर आप इंटरव्यू लेते हैं तो आप बोलते हैं यार कि मतलब आपने 4 साल किया कि आपकी डिग्री कैसे मिल गई, तो अक्सर आप दिल में ही सोचते हैं इंटरव्यू लेके। लेकिन इसमें यह है कि बिल्कुल ओवर नहीं हुआ है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको सही तालीम नहीं दे रही तो आप खुद पढ़ें, आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ये 20 साल पहले या 25 साल पहले ये आप सोच ही नहीं सकते थे कि आप MIT के लेक्चर जो है ना आप मुल्तान या भावलपुर में बैठ के ले सकते हैं। तो अगर आप आज कर सकते हैं तो आपको क्यों यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्यों नहीं करते आप लोग? राइट। अच्छा, ये जो आइडिया आप बता रहे हैं कि आपको खुद से भी जो है ना वो स्टडीज़ की तरफ जाना चाहिए, और उसके अंदर जो जदीद टूल्स हैं, कम्युनिकेशन के जो वेज़ हैं, ऐप्स हैं, उनके ज़रिए से एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, तो हमारे एक वो बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं आज़ाद चाय वाला, वो भी इस हवाले से काफ़ी बात करते हैं, और वो कहते हैं कि जी ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, बंद कर देने चाहिए, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, और आप जो है ना वो ख़ुद से एजुकेशन हासिल करें और बूट कैंप किस्म के और शॉर्ट कोर्सेज आप करें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, तो ये आप कैसे देखते हैं इनको? देखें जी, उनकी आधी बात सही है कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं पढ़ा रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल ही छोड़ दें। सेल्फ लर्निंग बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको अपने आप को खुद पकड़ के आगे आगे ले जाना पड़ता है। आपको कोई टाइम लाइन कोई नहीं मिलती, कुछ नहीं पता होता आपने क्या करना है। आप कम अज़ कम यूनिवर्सिटी में होंगे, आपका एक पाथ डिफाइंड होगा, आपके सेमेस्टर होंगे, आपने पढ़ना है, लेकिन आपने बेहतर पढ़ना है। बूट कैंप कभी इतनी डेप्थ में जा ही नहीं सकता। आपको 6 महीने वो क्या पढ़ाएंगे, और जो आप 4 साल पढ़ते हैं और जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो भी आपको इतनी डेप्थ कंपेरेबल है ही नहीं उसकी। तो बेसिकली आपने करना है, आपने करनी डिग्री ज़रूर है, लेकिन आपने इन डेप्थ जाके अपनी रिसर्च करके अपना सीखना है। अगर आप अपना नहीं सीखते तो आप घर बैठ जाए ना करें। बूट कैंप जाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं। और क्या लगता है कि ये जो हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट है अब एक डिग्री करने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, आपके जो है ना वो जो पेरेंट्स हैं उनके को तकरीबन 30 लाख रुपए तक उस पर खर्च आ जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये वर्थ इट है कि बाद में उसके बाद जो है ना वो स्टूडेंट, उसके पास ये इतनी स्किल्स पैदा हो जाती हैं कि वो ये सारा जो रेवेन्यू है वो उसको ईजिली कुछ अरसे में पूरा कर सकता है? डेफिनेटली वर्थ इट है जी। आप देखें, एक तो 30 लाख रुपये आप लगा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 4 ईयर्स में, और यही 4 ईयर्स के बाद आपका अगर 4 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इन सर्टन केसेस लोग $10,000 अ मंथ भी कमाते हैं, तो आप एक महीने में ही कमा लोगे जो आपने लगाए होंगे। और बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो प्रॉपर्टी में होती है, ना वो स्टॉक्स में होती है, ना बिटकॉइन में होती है, वो आपके अपने ऊपर होती है। अगर आप 30 लाख रुपये लगा के आप अर्न कर सकते हैं तो क्यों नहीं। मतलब $10,000 आप इजीली कमा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि तकरीबन आप 30 लाख रुपए आप ये 1 साल के अंदर कमा सकते हैं? वन मंथ वन मंथ में। अच्छा,
जबरदस्त, ये तो एक्सपीरियंस के साथ पाकिस्तान थोड़ा के सा। कर्ज उतर जाएंगे अगर हमारे क्यों नहीं उतरेंगे, आप देखें जी हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो है ना बहुत काफ़ी है, मतलब हमारे तकरीबन कोई 25 करोड़ हमारे लोग हैं, उसमें से जो प्रोडक्टिव है वो काफ़ी कम है, और ये अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी प्रोडक्टिविटी अगर आ जाए और एट पार आ जाए तो हम क्यों नहीं उतरेंगे कर्जे जी, दूसरे मुल्कों में कर्जे देंगे अगर हम सही तरह चलें। अच्छा, हम देखते हैं कि जो इंडिया की जो आईटी की इकोनॉमी है और उनकी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स की एक्सपोर्ट्स हैं, वो तकरीबन 300 बिलियन डॉलर पे खड़ी हैं एनुअली, और हमारी पाकिस्तान की शायद वो 2 बिलियन डॉलर पे हैं। हाँ जी तो आप क्या देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा फ़र्क है, इसकी बुनियादी क्या वजह है कि पाकिस्तान कहाँ पे लैग कर रहा है, इंडिया कहाँ पे हमसे आगे निकल गया? देखें जी, इंडिया में जितने पाकिस्तान में जितने प्रोग्रामर होंगे ना उतने इंडिया में अच्छे प्रोग्रामर होंगे, क्योंकि एक तो उनका साइज़ बहुत बड़ा है, दूसरी बात यह है कि पूरी पूरा एक इकोसिस्टम है ना वो मैटर करता है। अब अमेज़ॉन का वहाँ ऑफिस है, गूगल का वहाँ उन्होंने सेटअप किया हुआ है, सब ने किया हुआ है, एप्पल ने आके अपने वहाँ पे स्टोर खोल लिया है, मतलब उनका एक इकोसिस्टम वहाँ सपोर्ट करता है वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना। पाकिस्तान में यहाँ की भी सॉफ्टवेयर कुछ कंपनियाँ हैं वो डॉलर लाती ही नहीं है पाकिस्तान में, वो बेसिकली या दुबई में या US में एक सब्सिडरी अपनी सेट करती है कंपनी, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है US की कंपनी, उस US की कंपनी से उसके बाद जो पैसा भेजना होता है ना, मतलब आपकी अपनी कंपनी जब पाकिस्तान में पैसा नहीं भेज रही तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि गूगल आएगा, अमेज़ॉन आएगा या ऑफिस खोलेगा। और दूसरी बात है कि हमारा जो सिस्टम है ये सपोर्ट इतना नहीं करता कि लोग फॉरेन इन्वेस्टर आए और वो आके जो है ना यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करे, उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ही नहीं है। ये तो अनफॉर्चुनेटली हमारा अलमिया है, हमारे सिस्टम का फ्लॉ है कि हम उस लेवल के ऊपर जो है ना, ये जो सारी बड़ी कंपनीज हैं उनको यहाँ पे इनवाइट नहीं कर सके, और एजुकेशन सिस्टम का भी फ्लॉ है कि देखिए जी, जहाँ आप पे वो इनवाइट भी कर लें, आप अगर आप जाएं आज माइक्रोसॉफ्ट को बोलें आप आके ऑफिस खोलो, वो बोलेगे क्यों, आपकी ह्यूमन रिसोर्स एट पार नहीं है इंडिया के, अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की भी नहीं होगी शायद। दूसरा ये कि आप वहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे जी, पता चलेगा मलिक रियाज ने ज़मीन ख़रीदी हुई तो ज़मीन का पक्का नहीं, बिजली का पक्का नहीं, ह्यूमन रिसोर्स का पक्का नहीं, क्यों आके इन्वेस्ट करेगा वो। जब तक आप ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, आप उन्हें कहेंगे जी ये हमारे इकोनॉमिक जोन, फॉर एग्जांपल पहले गवादर को बना रहे थे, ये जोन है इसमें इस तरह ट्रांसफ़र होता है, आपने अभी तक गवादर में पटवारी बिठाए हुए हैं, वो जी फाइलें ले लेके मैनुअल चल रही है, बिल गेट्स आके और माइक्रोसॉफ्ट आके जी पटवारियों के चक्कर लगाएंगे, इस तरह तो सिस्टम नहीं चलता ना। आपको पूरा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, आपको एक बाहर के कंपनी के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि यार अगर टेस्ला ने आके अगर बलूचिस्तान में एक अपनी गीगा फैक्ट्री लगाती है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको क्या क्या चाहिए होगा, उसकी चीज़ें कैसे होंगी, उसके रास्ते कैसे होंगे, पोर्ट पे क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स क्या चाहिए होगी, बिजली कितनी चाहिए होगी, हमारा तो यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है, बस चल रहा है सिस्टम और चल रहा है, बस ये इसी तरह चल रहा है पाकिस्तान। अच्छा असद भाई, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि बैकग्राउंड क्या था, आपने ये जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है ये कैसे चूज़ की आपने, और उसको कंप्लीशन के बाद फिर आपको क्या चैलेंजेस आए, और फिर अब माशाल्लाह जो है ना, आपने अपनी जो कंपनीज बनाई, डिफरेंट आपने प्लेटफॉर्म्स खड़े किए, आप ऑफशोर जो अपने क्लाइंट्स हैं वो लेके चल रहे हैं, तो इस सारा जो सफ़र है इसको आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। मेरा तो जी शुरू से पर्सनल इंटरेस्ट था, मतलब एज सच मुझे तो उस वक्त इतनी आईटी की इंडस्ट्री में था भी इतना वो नहीं, तो मेरा जो एंट्री थी वो तो पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से थी कि मुझे प्रोग्रामिंग थोड़ी बेहतर लगती थी या कंप्यूटर साइंस में मुझे अच्छा लगता था, मज़ा आता था, तो मैं उस तरफ चला गया। बाकी ये है कि जी उस वक्त जब मैं ग्रेजुएट हुआ था इतनी जॉब्स कोई इतनी हाई पेइंग नहीं थी, मेरे ख्याल 25-30 हज़ार की तब नौकरियाँ लगती थी, तो लेकिन ये है कि बाद में ये कि आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री भी ग्रो करती रही और डॉलर हमारा माशाल्लाह जब वो 60 रुपये का होता था 50 रुपये का, वो बढ़ के 300 रुपये हो गया, तो उस वक्त 1,000 डॉलर के 50 हज़ार बनते थे, अब 3 लाख रुपये बनते हैं, तो इस वक्त तो खैर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि मार्केट साइज़ भी बहुत बढ़ गया है। जो कंपटीशन है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर मेरी जो कंप्यूटर साइंसेज से जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट जो पास आउट होकर निकलते हैं उनके साथ बात होती है, तो वो बताते हैं कि जी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और शायद जो बांग्लादेश के लोग हैं और जो दूसरी जो ऐसे कंट्रीज़ के लोग हैं वो बहुत कम वो आपको जो है ना वो रेट कोट कर देते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, तो हम उनको कम्पीट नहीं कर पाते। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? देखिए जी, अगर आप प्राइस पे कम्पीट करते रहेंगे तो हमेशा कोई ना कोई होगा जो आपसे कम प्राइस पे ऑफ़र कर रहेगा किसी भी चीज़ में, आपने कम्पीट करना है क्वालिटी में, आप अगर क्वालिटी अच्छी करेंगे वो आपको ज़्यादा पैसे दे के आपसे काम करा लेगा, प्राइस पे कम्पीट करना बहुत मुश्किल।
आप कर नहीं सकते। तो मेरा मशवरा यही होगा कि जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट हैं या दूसरे हैं, वो अपने एक्सपर्टीज डेवलप करें एक पर्टिकुलर फील्ड में। अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर बन रहे हैं, आप ऐप डेवलपर बन रहे हैं, या आप किसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के आप डेवलपर बन रहे हैं, उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज़ इतनी कर लें कि एक तो आप काम जल्दी कर लें। एक मिसाल है, आपको एक काम करने के आपको 10 दिन लगते थे, आपकी जब एक्सपर्टीज़ होंगे आप 1 दिन में कर लेंगे। आप अपना रेट बढ़ा दें और आप जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर $200 में कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, आप अगर 100 में भी करके 1 दिन में कर सकते हैं या 2 घंटे में कर सकते हैं, तो आपके लिए सही है, $50 पर आवर बन जाता है, आप इस तरह कर लें। और दूसरी बात है, आप अपनी क्वालिटी बेहतर करेंगे तो लोग आपके रिटर्निंग कस्टमर आएंगे और रेफरल बहुत आएगा। मेरा ज़्यादा काम जो है ना ज़िंदगी में रिटर्निंग और रेफरल से बहुत ज़्यादा चला है कि मैंने एक बंदे का काम किया, उसने जाके उसको किसी ने बोला कि यार मैंने ये कराना है, तो वो मेरे पास 4 बंदे और लेके आया, फिर उन 4 का काम किया, वो 16 और लेके आए। तो आपका इस तरह जब सिस्टम चल जाए ना, फिर आपको खुद जाके बिडिंग करना, अपवर्क जाना, फाइवर जाना, इन चीज़ों से आपकी जान छूट जाती है। और यहाँ पे आप क्या कम्पीट करोगे, यहाँ पे आपको अगले बंदे को पता ही नहीं है, उसको वो तो सिर्फ प्राइस देख रहा है, ये मुझे $200 में कर रहा है, ये मुझे 1000 में करके देख रहा है, उसने देना तो 200 वाले को, आपको क्यों देगा। लेकिन वंस आप अपना स्टेप इन कर लेते हो, आप काम शुरू कर देते हो, फिर ये आपका खुद ही जो है ना पहिया चलना शुरू हो जाता है। राइट। अच्छा, इसमें अगर मैं सिंपली आपसे ये पूछूं कि अभी जो स्टूडेंट हैं उनको मज़ीद कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तो इसका मुख्तसरन जवाब क्या होगा? जी, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल लेना चाहिए। और अगर आप ले के $1000 भी अगर आप कमा लेते हो, जो हमारे तकरीबन 3 लाख रुपये बनते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है अगर आप इंटरनेशनली देखो, तो आप बहुत से लोगों से यहाँ बहुत बेहतर हो। यहाँ पे बहुत बड़े कोई मैनेजर होंगे, उनकी 3-3 लाख तनख्वाह होगी, आम बंदे की नहीं होती। तो आप अगर काम करके आप 3 लाख $1000 कमा सकते हो, जो कि कुछ भी नहीं है, तो वेल एंड गुड है, वरना तो आप 10,000, 15,000, 20,000 कुछ भी कमा सकते हो। राइट। और आप क्या समझते हैं कि कुछ लोग ये शिकवा और गिला करते हुए भी नज़र आते हैं कि जो अपवर्क और फाइवर है, ये जो फ्रीलांसिंग है, ये सब बकवास है कि जनाब इसके ऊपर ऐसे खामखा लोग जो है ना बड़ा इसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत कंपटीशन है और कुछ नहीं बन पाता, कुछ नहीं मिल पाता उसके ऊपर, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि इसके अंदर हकीकत है या नहीं है, किस तरह से आप इसको एड्रेस करेंगे? कंपटीशन कहाँ नहीं है, मतलब आप अगर सब्ज़ी की दुकान भी लगाएंगे ना, तो 4 लाइन में 4 और लोग भी होंगे, कंपटीशन तो वहाँ पे भी होगा, कंपटीशन तो हर जगह आपको। लेकिन आप जब सर्विसेज बेहतर दोगे, आप काम अच्छा करोगे और थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता काम डेवलप हो जाएगा। एक दिन में आपको कोई $1,00,000 का क्लाइंट मिलने वाला नहीं है। आपने पहले $100 का काम करना है, 200 करना है, 1,000 का करना है, 10,000 करना है, फिर आपको क्लाइंट मिलते जाएंगे, $1,00,000 के भी मिल जाएंगे, $1,000,000 का भी क्लाइंट आपको मिल जाएगा अगर आपका काम बेहतर होगा। तो अगर आपने $500 का काम लिया, आप वो भी सही तरह नहीं करते, तो आप यहीं घूमते रहोगे 200-500 पे, और आप ब्लेम करोगे कि ये वेबसाइट्स अच्छी नहीं। ये वेबसाइट्स पे ही लोगों को काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिले, मतलब $1,00,000, $2,00,000 के भी मिले, लेकिन यह कि आपका काम बेहतर होना चाहिए। अच्छा असद भाई, ये बताइएगा कि फ्री लांसिंग से हट के कौन सा ऐसा काम हो सकता है, कोई डेवलपमेंट का ऐसा काम क्या हो सकता है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट है अगर वो उसकी तरफ चला जाए तो उसको उसमें ज़्यादा बेहतर, उसको अचीवमेंट उसकी हो सकती है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है उसमें? देखें जी, स्टार्टअप्स, अगर आप स्टार्टअप अपना कोई आइडिया आप ला सकते हैं जो आपके जहन में है, जिसको आप डेवलप करके कोई प्रोडक्ट छोटा मोटा बना सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा है, वो फ्री लांसिंग करने से 1000 गुना अच्छा है। अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा भी चल जाता है, आप 10 साल फ्री लांसिंग करें और आप जो है ना 1 साल या 6 महीने प्रोडक्ट आपका चल जाए, तो वो बराबर है। और दूसरी बात है, आपको इतनी टेंशन जो है ना, एक बार प्रोडक्ट चल जाए, चलाने की टेंशन है, उसके बाद जो है ना वो कहते हैं बैठ के आपने खाना ही और उसको इम्प्रूव करना है। तो स्टार्टअप्स की तरफ हमें ज़रूर जाना चाहिए। आपके जहन में अगर कोई आइडियाज़ हैं, आप इतने अच्छे प्रोग्रामर नहीं भी हैं, कोई मैटर नहीं करता, आप प्रोडक्ट पे काम शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएँ, बनाते जाएँ। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट एक दरमियाना भी चल जाता है, कुछ ना कुछ चल जाता है, कुछ आप फंडिंग रेज कर लेते हो, आप प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं पहुँचा देते हो, अपना प्रोडक्ट आपका कोई एक्वायर कर लेता है या कुछ भी हो जाता है, तो आप जो है बहुत बेहतर रहोगे। और फ्रीलांसिंग और ये प्रोजेक्ट पकड़ना, अपवर्क पे जाना, फाइवर पे जाना, ये तो मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा आप स्टार्टअप्स की तरफ जाएं, अपनी कंपनीज बनाएं, अपना कोई आइडिया लाएं, और अगर आप ये कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ, आप फॉर एग्जांपल 1000 लोग सुन रहे हैं, 1000 में से अगर 100 लोग स्टार्ट करते हैं, 100 में से 10 के अगर 2 भी कामयाब हो जाए ना, तो मैं समझूंगा ये हमारी जो है ना पॉडकास्ट जो है ना ये कामयाब रही। क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है जी प्रोडक्ट्स की, पाकिस्तान को ज़रूरत है ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ की जिससे पाकिस्तान ग्रो कर सके, आप भी ग्रो कर सकें और हम भी ग्रो कर सकें। अच्छा, प्रोडक्ट के लिए जो एक बड़ा क्वेश्चन जो पहले माइंड में आता है वो बजट का होता है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी जगहें हो सकती हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जहाँ पे एक फ्रेशर ग्रेजुएट को
फाइनेंशियल उसको कैपिटल अवेलेबल हो सके, कोई इन्वेस्टमेंट उसको मिल सके? प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे जी डिफरेंट वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, वो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक लिस्ट निकल आएगी, याद तो मुझे इस तरह नहीं है लेकिन काफ़ी हैं। उसमें यह है कि आप अपना आइडिया पिच करते हो, कुछ हैं आपको आइडिया पे दे देती हैं, ज़रूरी नहीं आप पाकिस्तान की वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज पर जाएँ, बाहर की बहुत सारी कंपनीज हैं, मिडल ईस्ट की बहुत वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज हैं। आप अपना आइडिया बनाएँ, आप थोड़े से अट्रैक्शन जनरेट करें, यूज़र्स बनाएँ, आप उनको नंबर्स दिखाएँ तो आपको जो है ना वो फंड कर देते हैं। इसके अलावा एक्सेलेटर प्रोग्राम, एक्सेलेटर में बेसिकली आप सिर्फ आइडिया देते हैं, आप उन्हें बताते हैं मैंने ये करना है, तो आपको जो है एक्सेलेटर प्रोग्राम जो है ना $100,000 आपको ऐसे ही देता है, मिसाल है वो 100 कंपनीज को देता है तो आपको भी $1,00,000 मिल जाते हैं, जिसमें आपने 1 ईयर में ना कुछ बना के दिखा के चला के दिखाना होता है। फिर वो जो एक्सेलेटर होता है वो आपको एक वेंचर कैपिटलिस्ट के पास ले जाता है, वो उसमें बेसिकली उसकी वो हो जाती है पार्टनरशिप हो जाती है जितने भी परसेंट होती है। उसके बाद आप जो है वो पिच करते हो उनको, जब आपके कुछ नंबर्स आ जाते हैं, कोई ट्रैक्शन शो करते हो, फिर आपको कोई ना कोई दूसरा वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग देता है, फिर आप जो है ना उससे फिर अगले स्टेप पे जाते हो और इस तरह आप चलते जाते हो। राइट, मतलब ये कि ये एक ऐसा सिलसिला है कि अगर इसके अंदर बंदा थोड़ा सा करेज करे तो वो शायद इसमें काफ़ी एक्सेल कर सकता है। और एक बेसिकली जो आप आइडिया जो बता रहे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के, वो उस माइंडसेट के साथ आप इस फील्ड से जो है ना वो निकलें और छा जाएं। हाँ जी। सही, तो एंटरप्रेन्योरशिप जी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे लिए, और उसके जो रिटर्न हैं ना वो आप ये फाइवर और ये फ्रीलांस वेबसाइट्स वगैरह जो अफवाह वगैरह ये कंपेरेबल है ही नहीं। आपका थोड़ा सा भी प्रोडक्ट चल जाए, आपको थोड़ी सी फंडिंग मिल जाए जो कि मिलेगी, देखें बाहर लोग ना बहुत सारे पैसे लेके बैठे हुए हैं, उनको वो बाहर की अगर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल उन्हें मिलता है रिटर्न 7%, 10%, बॉन्ड्स में करते हैं 5%, 4% मिलता है। जो ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी है जैसे 100,000 वो 100 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसमें से अगर 2 या 3 भी उनके चल जाती है ना, बाकी 97% उनके फेल हो जाती हैं, तो वो 2-3 कंपनियाँ इतना कमा के उन्हें दे देती हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो हंड्रेड ऑफ टाइम्स बढ़ जाती है। तो बाकी इसी तरह देखें ऊबर स्टार्ट हुई, वो भी एक कॉन्सेप्ट था, आज ऊबर पूरी दुनिया में फैली हुई है, करीम को भी एक्वायर कर लिया है, मतलब एक ऐप ही है, एक कॉन्सेप्ट ही है। तो इस तरह बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपका आइडिया बेहतर है, आपका चल सकता है, आप उस पर थोड़ा काम करो, एक बेसिक आप उसका MVP बनाओ और आप उसको मार्केट में फैलाओ, उसके बाद देखो आपको क्या नंबर्स मिलते हैं, उसको आप ग्रो करो और आप फंडिंग के लिए अप्लाई करते रहो। राइट, अच्छा AI के बारे में हम बात करते हैं, AI कुछ लोग कहते हैं जी ये बजवर्ड है, और कुछ लोग कहते हैं कि बस दुनिया जो है ना वो इसने हिला के रख दिया है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि आप किस तरह से ये आगे जाएगा और कौन कौन से ऐसे पेशे हो सकते हैं, जॉब हो सकते हैं जिनको ये चेंज कर देगा, कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं, कौन सी ऐसी स्टडीज़ हैं जिसको ये चेंज कर देगा? देखें जी AI की रिसर्च जो है अभी वो जारी है, मतलब लेकिन यह है कि हम बहुत उसमें बढ़ते जा रहे हैं, हर दूसरे साल कुछ ना कुछ होता जा रहा है। अब जो आपको ChatGPT करके दे रहा है आप 2 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे, और इसी तरह कंप्यूटर विजन की चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। AI बजवर्ड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि AI एवरी बिजनेस ना AI बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि जैसे कंप्यूटर साइंस और IT वाली चीज़ें हर दूसरे बिजनेस में घुस गई हैं, AI भी हर जगह घुस जाएगी, क्योंकि हर जगह हर फील्ड में इसकी एप्लीकेशन है ही है। तो AI एज सच बजवर्ड तो नहीं है, वैसे लोग कहते हैं ग्लोरीफाइड स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन आप इसकी एट कोर जाओ तो बेसिकली मैथमेटिक्स ही है। क्या कहते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से जो AI है उसको सीखना चाहिए, जो कंप्यूटर साइंस की तरफ जो स्टूडेंट्स हैं आ रहे हैं उनको किस तरह सीखना चाहिए? देखें जी कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर बताएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बताएंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे बन रही है, क्या सिस्टम है, किस तरह ट्रांसलेट होती है, मशीन पर कैसे लर्न होती है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो वैसे भी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो है ना डेटा साइंस और मैथमेटिक्स की तरफ जो है ना आपकी, अगर आपने AI की तरफ जाना है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की तरफ, तो ये थोड़ा सा आपकी डिग्री चेंज हो जाएगी। और इसमें जो है आपने बेसिकली जो डेटा साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने होंगे, मैथ्स पढ़नी होगी, स्टैटिस्टिक्स पढ़नी होगी, ये सारी चीज़ें मिला के जो है ना फिर आपकी जो है ना AI की तरफ आप जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं हो सकते कि आप बिल्कुल कंप्यूटर साइंस के ही एक्सपर्ट हो गए और AI के भी हो गए, ये थोड़ी सी फील्ड आपकी जो है ना टिल्ट हो जाएगी, स्टार्ट सेम होगा लेकिन बाद में थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। एट दी एंड अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं अपने आज के इस प्रोग्राम को, तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर साइंसेज के कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, तो उनको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री इमीडिएटली उनको कौन कौन से एक्शन स्टेप्स हैं 2-3 जो उनको लेने चाहिए?
उनको जी देखें, एक तो इंटरेस्ट होता है, अब किसी ने कंप्यूटर साइंस भी किया अगर उसका मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, तो अगर बैचलर्स किया तो वो मास्टर्स कर ले कंप्यूटर उसमें डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में। बाकी ये कि आप अगर मास्टर्स नहीं करते तो आप बेसिकली आप एक स्पेसिफिक फील्ड उठा लो, उसके अंदर आपने जो है, फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो, या आप ऐप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो, या आप किसी भी तरफ जा रहे हो, आप उसमें एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क, स्पेसिफिक लैंग्वेज, आप उसकी मास्टरी हासिल करो, और उसको जितना सीखने के बाद आप उसी पे काम करो, और उसी के प्रोजेक्ट्स आप फिर आपको इजीली मिल जाएंगे और काम आपका वहाँ से चल पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका असद साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और उम्मीद है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और पॉडकास्ट पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि मज़ीद किन मौजूदात के ऊपर आप वीडियो देखना चाहेंगे। अब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।